ये कहानी तब की है जब पूरी दुनिया में पहली बार रंग दिखे। उस दिन बढ़िया धूप खिली थी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और पर्पल नाम के सात रंग आसमान में एक साथ इकट्ठा हुए। ये रंग जहां भी जाते अपनी खूबसूरती से बादलों को चमकीला बना देते। तुम सब कितने चमकीले हो, देखो तुम सबकी बदौलत हम कितने चमक रहे हैं। हालांकि उन रंगों को एक दूसरे से जलन होती थी। ये सब मेरा कमाल है, उन लाल बादलों को देखो, वो कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, उन पीली बादलों को देखो, वो गजब के खूबसूरत दिख रही हैं। तुम बेवजह बहस कर रहे हो, बादलों में असली खूबसूरती तो मेरी वजह से आती है। तुम सब गलत हो, ये खूबसूरती मेरी वजह से है, मैं हूँ इस खूबसूरती के पीछे। तुम सब गलत हो, नहीं मैं हूँ। तुम सब कितने मूर्ख हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। सातों रंग चिड़चिड़े हो चुके थे और उनकी बहस और तेज हो चुकी थी। अरे ये मेरी वजह से है, मैं जीवन का प्रतीक हूँ। उन शानदार पेड़ पौधों को तो देखो, उनमें मेरा रंग भरा है। मेरे कारण वसंत आने पर सब कुछ हरा भरा हो जाता है। मेरे ना होने से सब कुछ डरावना और खत्म सा लगेगा। इतना ही नहीं, उम्मीद का प्रतीक हूँ मैं, लोग उलझनों में भी मेरी कल्पना करते हैं। निसंदेह मैं सबसे बढ़िया रंग हूँ। बकवास बंद करो, तुम्हारा हरा रंग मेरे नीले रंग के सामने कुछ भी नहीं है। विश्वास ना हो तो आकाश को निहार लो और धरती पर समुद्र देख लो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ हो? मैं ही पानी का रंग हूँ, अगर मैं ना होती तो तुम्हारे ये पेड़ पौधे जीवित भी नहीं रहते। पानी कितना जरूरी है जीवन के लिए, मेरे रंग के बिना इंसान, पेड़ पौधे सब बेहाल हो जाएंगे। मैं शांति का प्रतीक भी हूँ, आखिर इस पृथ्वी पर युद्ध किसे चाहिए, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं सूरज, चंदा और तारों का रंग हूँ, केवल मैं ही वो रंग हूँ जो तुम्हारे जीवन में खुशी और ऊर्जा का संचार करता हूँ। मेरे बिना तो दुनिया में सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा। मेरा रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। क्या तुम में से किसी ने भी किसी भव्य महल को बिना चमकीले रंग के देखा है? तुम लोगों को सोने की छड़ी देखनी चाहिए, वो कितनी खूबसूरत है। अच्छा तो फिर ये साबित करने के लिए काफी है ना कि मैं सबसे बेहतर हूँ। तुम सब कितने मूर्ख हो, मैं सबसे शक्तिशाली रंग हूँ क्योंकि मैं ज्ञान और समझदारी का रंग हूँ। सभी मेरा कहना मानते हैं क्योंकि जो ज्ञानी है वही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे रंग के बिना तो सभी मूर्ख बन जाएंगे। मैं प्रेम और ईमानदारी का मूल रूप हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया में हर जगह मौजूद हूँ। सभी तो पर्पल को बाकी रंगों से ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं रहस्यों से भरा हूँ और बहुत प्यारा रंग हूँ। रुको रुको, थोड़ा मुझ पर ध्यान दो। मैं स्थिरता और सूक्ष्मता से भरा हुआ रंग हूँ। मैं बहुत जरूरी रंग हूँ क्योंकि मेरा जुड़ाव आत्मविचार और परिपक्वता से है। मेरे बिना कुछ भी खास नहीं रहेगा। मैं विश्वास को दर्शाता हूँ, मैं हर क्षण की झलक हूँ। जीवन में स्थिरता बनी रहे इसके लिए मेरा होना अति आवश्यक है। फिर तुम सबसे अलग हो, अनूठा हो। मैं हूँ इस खूबसूरती के पीछे। उन स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर फलों की तरफ देखो, संतरा, पम्पकिन, गाजर, पपीता, इन सब में मेरा रंग अधिकता है। सभी को अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को संतुलित करने की जरूरत होती है। मैं युवा, जोश, विश्वास, नवीनीकरण का प्रतीक हूँ। शानदार दुनिया के लिए इस सबका बड़ा महत्व है। तुम सबसे मेरी तुलना हो ही नहीं सकते, मैं सर्वश्रेष्ठ जो हूँ। बहुत हुआ,
मैं खून का रंग हूँ, जीवन और जज्बे का रंग हूँ, किसी भी जीवित प्राणी के लिए मैं जरूरी हूँ। उस आग की तरफ देखो, वो दुनिया की सबसे जरूरी चीज है और वो मेरे रंग की है। मैं प्यार और जज्बात और उत्साह का रंग हूँ, दुनिया आखिर मेरे बिना होगी भी क्या? अगर आप सब अपनी जीवन क्षमता खो देंगे तो दुनिया काली और सफेद रंग में उलझ कर रह जाएगी। इसलिए मैं तुम सबसे ऊपर, मैं तुम सबसे जीतती हूँ। बहस का कोई अंत होता नहीं दिख रहा था, हर किसी के अपने कारण थे। सातों रंग चिड़चिड़े हो चुके थे और उनकी बहस और तेज हो चुकी थी। अपनी अपनी बढ़ाई कर लेने के बाद सभी रंग एक दूसरे से अलग हो गए और सभी ने अपने आसपास बादलों का घेरा बना लिया। सूरज ऊपर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा, इन बेवकूफ रंगों को मैं कैसे समझाऊं जिससे खुद को सबसे बड़ा बताने की इनकी सोच बदले। सूरज के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बड़े ग्रे बादल से मदद मांगी। ये ग्रे बादल खुशी से सहमत हो गया। ग्रे बादल ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाया। ये अचानक से आसमान को क्या? सूरज तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारे साथ इस तरह लुका छुपी का खेल नहीं खेलना। अचानक बिजली कड़की और जोर की गड़गड़ाहट हुई। हवा चलने लगी और ग्रे बादल से पानी बरसने लगा और फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी जिससे सभी रंग डर गए। हे भगवान, अभी बारिश नहीं होनी चाहिए थी। बारिश के ये बूंदें मुझे चोट पहुंचा रही है, कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, ये बादल मुझे जल्द ही उड़ा देंगे। इसी तरह बारिश होती रही तो सारे फूल पौधे बाढ़ की चपेट में आकर मर जाएंगे। ये बारिश की बूंदे कितनी उद्दंड है, ये मुझ पर ही हमला कर रही है। मौसम इतना डरावना है कि मैं कुछ भी सोचकर शांत ही नहीं हो पा रही हूँ। जल्दी आओ, हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यही एकमात्र उपाय है इस भयंकर तूफान से बचने का। पर्पल रंग ने सलाह दी कि सभी सातों रंगों को एक लाइन में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि वो तेज हवाएं उन सातों दोस्तों को अलग न कर पाए। सातों रंगों ने बारिश के रुकने तक एक दूसरे को ढकते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और फिर इतने चमत्कारिक ढंग से आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। उस इंद्रधनुष की पट्टी से सूरज धीरे धीरे उगा और पूरी दुनिया में चमकता रहा। वे सातों रंग इतने हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार खुद को इतने शानदार रूप में देखा था। कोई बताएगा क्या हुआ है? ये हम सब हैं, हम सब इकट्ठे ऐसे नजर आते हैं। कितना सुंदर नजारा है, हम सब एक साथ सूरज की तरह चमक रहे हैं। मेरे रंग के बिना तो सभी मूर्ख बन जाएंगे। ये तुम सबकी खूबसूरती है, तुम्हारी शक्ति है। एक दूसरे से चलते हुए तुम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। हर रंग के बनने के पीछे एक कहानी है और एक उद्देश्य है। जैसा कि तुम सब समझ चुके हो कि तुम सब मिलकर ही जीवन को खुशियों से भर सकते हो। अब अभिमानी और स्वार्थी होना बंद करो, बल्कि इकट्ठे होकर रहना सीखो ताकि दुनिया को और बेहतर बना सको। अब जब भी बारिश हो तुम सारे रंग मिलकर इंद्रधनुष बनाना जिससे भाईचारे का, उम्मीद का और पुनर्मिलाप का संदेश दुनिया में जाए। जब सातों रंग आपस में झगड़ रहे थे तब सूरज ने एक मध्यस्थ के रूप में बारिश का इस्तेमाल किया। तभी से बारिश के बाद आसमान में सात खूबसूरत चमकीले रंगों के साथ इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस तरह सात रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और पर्पल एक साथ मिले और मिलकर जिंदगी के लिए रंगों का निर्माण किया।